लोगन कोरोना के टाइम में घर पे बैठे थे, कुछ काम उम भी नहीं था हम लोगों के पास में, बहुत असुविधा था, हम लोगों को पैसा का जरूरी था। सारे लोगों को ना वॉनविटा हॉलिक्स छोड़ के इसको ट्राई करना चाहिए। कोरोना पैंडेमिक आने के बाद बहुत ऐसे परिवार थे जिनका रोजगार छिन गया था, मजबूर होकर लोग घर में खाली हाथ बैठे थे। उनमें से कुछ थे रौरकला की ये महिलाएं। जिस कंपनी में ये काम करते थे पहले, वो कंपनी कोरोना की वजह से बंद हो गया। किस्मत से इनके ऊपर नजर प्योर गैन टीम की पड़ी और उन्होंने इन सबको रोजगार दिया अपने फैक्ट्री में, सबको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया और आज खुद यही महिलाएं ऑलमोस्ट पूरा फैक्ट्री अपने दम पे चलाती हैं। सो गाइस, फाइनली हम प्योर गेन के फैक्ट्री में आके पहुंच गए हैं। ये एक हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग आज देख पाएंगे कि प्योर गेन टीम कैसे इतनी टेस्टी डिलीशियस सत्तू बनाती है। सीधा अंदर चलते हैं, अभी वेट नहीं हो रहा मेरे से, लेट्स गो। जिनको पता नहीं, बता दूं कि प्योर गेन रौरकेला का पहला स्टार्टअप है जो न्यूट्रिशनल मिक्स फ्लेवर्ड सत्तू बनाती है। वैसे हम सत्तू के फैन नहीं थे कल तक, पर जब एक बार प्योर गेन का सत्तू ट्राई किया, उसके बाद से हम सत्तू के दीवाने हो गए। हमने एक चीज नोटिस किया कि सत्तू मेकिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टाइमिंग और टेम्परेचर। एक सेकेंड और एक डिग्री भी अगर ऊपर नीचे होता है ना, तो पूरा रॉ मटेरियल डैमेज हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। होल क्रेडिट गोज टू प्योर गेन टीम, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से ट्रेनिंग दी है कि वो बिना किसी के हेल्प के खुद ही सब कुछ अपने एंड से चेक करते हैं और कोशिश करते हैं कि वेस्टेज ना ही हो। तो ये जो आप देख रहे हो, इसको रोस्टिंग मशीन बोलते हैं। फर्स्ट फेज में जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको इसी मशीन में रोस्ट किया जाता है, जिनमें आपका चना, काजू, पिस्ता, इलायची और पोहा भी शामिल है। रोस्टिंग होने के बाद सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको थोड़ा देर रूम टेम्परेचर में कूल होने के लिए रख दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें ग्राइंडिंग मशीन की तरफ लिया जाता है। एक एक करके सारे जो इंग्रेडिएंट्स जो निकले हैं रोस्टेड होके, उनको ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड किया जाता है। रौरकेला में किसी फैक्ट्री में यह हम दोनों का पहला विजिट था और एक चीज देख के हम बहुत सरप्राइज लगा कि इतना डिसिप्लिन मैनर में यहाँ पे काम होता है, इतना नीट एंड क्लीन काम होता है इधर और साफ सफाई का इतना ध्यान रखते हैं यहाँ कि बीच में तो हमें लगा कि हम घर में भी काश इतना साफ सफाई रखते। ये रहा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो चीनी रहता है, सुगर, उसको भी एक ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड करके एक निर्धारित साइज में लाया जाता है, जिसको बाद में सत्तू में मिलाया जाता है। अब ऑलमोस्ट हमारे सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो पाउडर फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन अभी उनका मिक्सिंग पार्ट बाकी है। और ये रही अपनी मिक्सचर मशीन, जिसमें वो सारे जो पाउडर्स निकाले गए थे इसी मशीन में मिक्स किए जाते हैं। कुछ परसेंटेज ऑयल भी मिलाया जाता है। ये ऑलमोस्ट लास्ट फेज है। इसमें जो ग्राइंड किया गया चीनी भी डाला जाता है, प्रॉपर मिक्स किया जाता है, जब तक एक एक दाने में सारे इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर एक दूसरे से मिल ना जाए। फिर हम सबसे आखिरी पड़ाव में आते हैं, जहां पे इन सब का पैकेजिंग होता है। और ये रही वो मशीन जिसमें अभी फिलहाल जो देख रहे हो, ये 10 रुपए के पैकेट्स निकल रहे हैं, जो कि
सीरियसली देख के बहुत मज़ा आया हमें, क्योंकि हमारे लिए पहली बार एक कुछ एक्सपीरियंस था जो हम ऐसे लाइव पैकेजिंग होता देख रहे थे, तो हम बस ये मशीन को देखते ही रह गए। इसके अलावा ये सत्तू आपको हाफ के जी के पैकेट्स में भी मिल जाएगा। पूरा दिन का काम खत्म होने के बाद इन एम्प्लॉयज़ के चेहरे पे जो मुस्कान थी ना, वो देख के दिल बहुत खुश हो गया और सारा क्रेडिट प्योर गैन टीम को जाती है। हम लोगों कोरोना का टाइम में घर पे बैठे थे, कुछ काम उम भी नहीं था हम लोगों के पास में, बहुत असुविधा था, हम लोगों को पैसा का ज़रूरी था। प्योर गैन टीम हम लोगों को बुलाए सर लोगों और हम लोगों को काम दिया, ट्रेनिंग दिया, सब अच्छा से हम लोगों को सिखाए। उसके बाद में हम लोगों खुद अपने से करते हैं, पेमेंट का भी कोई टेंशन नहीं है, टाइम में दे देते हैं और ज़रूरी पड़ने से हम लोगों को एडवांस भी देते हैं, मुसीबत का टाइम में सहायता करते हैं हम लोगों को। वही बहुत अच्छा लगा और यहाँ काम करके हम लोगों बहुत खुशी हैं सब कोई। सो गाइज फाइनली अपनी बहन कुछ बोलेगी इसके बारे में आपको, और बता तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले सुबह से? बहुत ही टफ जॉब है यहाँ करना, और मैं तो मतलब कि प्रोसेस भी सीख गई हूँ, शायद मैं अभी घर में जाके बनाने वाली हूँ। और इनकी एक बेस्ट क्वालिटी है, देखो ये प्योर गेन सत्तू जो न्यूट्रिशनल मिक्स है, जो जिसमें कि बहुत सारे वाइटामिन है, और इसका और एक बेस्ट पार्ट है कि ये तीन फ्लेवर्स में आता है, जैसे कि ये रहा आपका वेनीला, देन ये रहा आपका एक इलायची फ्लेवर, और एक जस्ट ये छोटा सा चॉकलेट फ्लेवर, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगा, आई एम डैम श्योर। सबसे बेस्ट पार्ट है इनको यहाँ 10-10 रुपए के पैकेट्स में भी आ रहे हैं, राइट? यस, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। मार्केट में ये एक्चुअली 10 रुपीस में सत्तू अवेलेबल नहीं होता है, और ये हमारे रौरकेला का पहला स्टार्टअप है जिसने सत्तू में फ्लेवर लाया है, और वो भी तीन तीन, दो वे में इसको हम लोग खा सकते हैं। इसको ऐसे ठीक बना के ग्रेवी के तरह भी खा सकते हो, और सेकेंड आप इसको ड्रिंक के तरह भी पी सकते हो। सारे लोगों को ना बॉर्नविटा हॉलिक्स छोड़ के इसको ट्राई करना चाहिए। तो ये जो हम लोग का 10 रुपये का पैकेट है, उसके लिए आप हाफ ग्लास पानी या हाफ ग्लास दूध लेके मिला के इसको पी सकते हो। ये सत्तू कम और वेनिला शेक ज़्यादा लग रहा है। हाँ, बस दो आइस क्यूब डाल दो और ये पूरा वेनिला शेक बन जाएगा। सो गाइस, जो अभी तक आपने देखा जो डिलीशियस सत्तू तैयार हो रहा है इस फैक्ट्री में, तो वो सत्तू के पीछे यही वो महिलाएं हैं जो शामिल है उसको प्रिपेयर करने में, आपके पास पहुंचाने में। तो गाइस, मैं तो पहले से इनकी फ़ैन थी, क्योंकि मैं बाहर से इनका ये सत्तू ट्राई करके आई थी, और जब मैंने देखा कि इसको बनाने के पीछे इन सबका हाथ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कि मैं आपसे एक सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मार्केट से प्योर गेन न्यूट्रिशनल मिक्स सत्तू ज़रूर परचेज करना और ट्राई करना, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप सभी लोग इसके फ़ैन जरूर बन जाओगे। और ये हम लोग रौरकेला का फ्लेवर्ड सत्तू मिक्स का पहला स्टार्टअप है, तो प्लीज हमारी स्टार्टअप को सपोर्ट करो। अ स्मॉल हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड और इन सभी के तरफ से, प्लीज। प्योर गेन का सत्तू आपको ऑलमोस्ट सारे बड़े स्टोर्स में मिल जाएंगे। आप ये सत्तू ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जाना है और सर्च बार में प्योर गेन न्यूट्रिशनल मिक्स सत्तू सर्च करना है। प्योर गेन ने तो अपना काम कर दिया इन महिलाओं को रोजगार देके, पर इसको आगे ले जाने का काम अभी हमारे और आपके ऊपर है। सो गाइज, रौरकेला का ये पहला जो स्टार्टअप है, इसको हमें सपोर्ट करना है और प्योर गेन का सत्तू एक बार जरूर ट्राई करना है।